नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। एक लड़की आपको नजर आ रही होगी, अगर अब मैं बात करूं तो इनके हाथ में तलवार लगी है। जी हाँ, अगर छेड़खानी का विरोध किया जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है आप देख सकते हैं। एक लड़की को जो है कुछ युवक जब ये घर से सामान लेने जाती है तो इनके साथ छेड़खानी की जाती है। उसके बाद जब इसका विरोध करते हैं पूरा परिवार आता है तो इनपे तलवारें तक चल जाती है। अगर सारा परिवार आप देखें, सभी आपको जो है घायल नजर आ रहे होंगे। पिता साथ में है, माता साथ में है और खुद लड़की यहाँ पर मेडिकल करवाने आए। एक बार इनसे बातचीत जो है करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। मैं सामान लेने के लिए गई थी तो मैं आ रही थी तो दारू पी के खड़े हुए थे ये 6-7 जने जो थे। दारू पी के ये मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, वैसे मारा पिट्टी भी करने लगे, ये छेड़खानी भी करने लगे। फिर मैंने जोर से चिल्लाया तो मेरे माता पिता जने थे वो 6-7 जने थे तो इन्होंने हाथे पाई की। मैंने चिल्लाया जोर जोर से तो ये मेरे घर के निकल के आए और भी पड़ोसी निकल के आए। उन्होंने तलवारें और डंडे मारने शुरू कर दिए, मेरे हाथ में से तलवारें निकल गई तो इन्होंने, मेरा भाई भी निकल के आ गया। तो इसके अलावा आपको कहीं और भी चोट लगी है? नहीं जी, यही तलवारें निकली बस हाथ में से। मैंने आज हाथ अड़ा लिया जी। अच्छा, तो और आपको बचाने के लिए कौन कौन आया? मेरी मम्मी आई, मेरे पापा और भी पड़ोसी बहुत थे, उनको भी डंडे डंडे लगे हुए हैं, वो नहीं आए हैं, यहाँ पे हम ही आए हैं। आपके मम्मी कहाँ हैं? ये तो आपको भी चोटें लगी हैं? हाँ जी, ये देखिए फोड़ रखे सारे भाई, ये गोडे गड्ढे फोड़ रखे मेरे छोरे का, गंडासी लग रही हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी ये कहाँ के हैं? ये जी हमारे पड़ोस के ही है, वही के हैं। हाँ, मंग के हमारे जड़ में ही है। पहले भी कभी छेड़ते ना जी? कोई लड़ाई झगड़े नहीं था हमारी, कोई बात नहीं थी। 9 बजे की बात आई जी, हम घर तली खड़का आई नहीं फेरे ले, इसके पापा का सिर फाड़ दिया, मेरा भी लट मारा, मेरे छोरे का भी सिर फाड़ रखा। वो पुलिस कंप्लेंट की है? वो घर ही है जी, वो घर आगे रखा। मेरी यानी यानी दो पोती है, मेरा पापा का है, इसका पापा यू बैठा। तो उस टाइम पुलिस वगैरह बुलाई थी आपने? हाँ जी, हाँ जी, ले गए थे। हाँ, चले गए थे। कहाँ का मामला है ये? पिंगली गाँव। तो वैसे उन्होंने आपको कुछ कमेंट मारे थे, कुछ बोला था गलत? बस ऐसे ही गंदी गंदी गाड़ियाँ दे रहे थे वो, मेरे को छेड़छाड़ कर रहे थे मेरे साथ, कभी मेरी चुन्नी खींच रहे थे, कभी ऐसे छेड़ रहे थे। अच्छा। कोई नहीं था वहाँ पे, वो ही लड़के थे बस 6-7। मतलब तुम अकेली थी और वो तुम्हारे साथ बुरी तरह से छेड़खानी कर रहे थे? मैं अकेली गई हुई थी दुकान। हाँ। ये रात दुकान पे जा रहे थे? हाँ जी। तो इसके अलावा कुछ और उन्होंने कोई अप्रिय घटना? बस यही थी, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो वो गुंडासी और डंडे निकाल के लेके आ गए। फिर और तो बत्ती गई लड़ाई, तो इनको मेरे पापा को भी मार दिया, मेरी मम्मी को भी मार दिया, मेरे भैया को भी मार दिया, सबको उन्होंने गुंडासियों से तलवारों से डंडों से पिटा। तो आज आपका मेडिकल हुआ? नहीं, मेडिकल तो हो चुका है मेरा, ये नहीं हुआ, बस कुछ हो ही नहीं रहा, ट्रीटमेंट नहीं हुआ अभी तक। अभी तक सुबह 4:30 बजे के यहाँ। अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो है पूरा हाथ यहाँ पर जो है तलवार जो है इसमें से निकली हुई है, और कपड़े अगर आप देखेंगे तो खून आपको नजर आ रहा होगा। कि अगर जो है आजकल जिस तरह से कहा जाता है कि जो कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी जो है विरोध करती है किसी छेड़खानी का तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं उसके साथ क्या कुछ होता है। तलवारें चलती हैं, पूरे परिवार को जो है घायल कर दिया जाता है। ये साथ में जो है पिता भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर आप पैर भी देखेंगे तो आपको खून नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर इनके पिताजी हैं जिन्होंने अगर अपनी बेटी का साथ देना चाहा है तो उनके सर पर तलवारों से जो है वार किया गया। अंकल जी सर पे भी तलवार लगी है? सर पे भी उन्होंने गंडासी मारी, मेरे यहाँ लठ मारा और इधर मारा ये पैर में। तो बस आपने यही कहा कि भाई ऐसे क्यों छेड़ो, यही बात? मेरे को तो उन्होंने कहने का मौका ही नहीं दिया। जैसे मैं घर से उठ के आया ना, लड़की चिल्लाई तो उस फौरन उन्होंने हमला कर दिया मेरे ऊपर। तो वो क्या कुछ शरारती युवक है? हाँ, एक लोफर टाइप के लड़के हैं, गांव के? हाँ जी, गांव के ही पड़ोसी हैं मेरे, इनके ग्रुप है 20-30 लड़कों का, ये अक्सर करते हैं, महीना निकलता है इनका, हफ्ते के अंदर तो कर ही देते हैं ये। नशा वशा करते हैं? हाँ, नशा करते हैं सारे। नशा करते हैं? हाँ, रात को नशे में थे? नशे में दूध हुए थे, उनको पता ही नहीं था वो क्या कर रहे, क्या नहीं, पूरे दूध हुए पड़े थे। तलवारें लेके घूमते रहते हैं? जी, तलवार उनके घर में रखी जाती है, तभी निकाल के लेके आते तब। जहाँ पर तो जो है चुन्नी वगैरह खींचने की कोशिश की जाती है, विरोध डंडे नहीं थे, कोई डंडे
नहीं थे, कोई ईंट नहीं थी, ईंट बरसाई, डंडे मारे, तलवार मारी, गिंडा सूह चला दिए हमारे खून भर रहा, घर का खून भर रहा इसके पापा। मैं बुआ हूँ इसकी। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ जी? मेरे भैया के साथ भी, मेरी भतीजी के साथ भी, मेरे भतीजे के साथ भी सारे पाता था ना जी, फिर भी मार गए मेरे बच्चे के लोग। गुंडागर्दी कर रहा, मार धाड़ कर रहा, कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। आपने रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा दी अपनी, किस तरह से झड़कानी हुई आपके? नहीं, अभी तक वो बयान लेने के लिए नहीं आए हैं। वैसे पुलिस बुलाई थी मैंने रात में जी। हाँ, तो उस समय वो लोग क्या चले गए थे? नहीं, वो लोग कहते सारे के सारे कोई पकड़ा नहीं गया। नहीं, एसपी साहब को मिलोगे? कौन सा थाना लगता है क्या सर उनका? ये सदर थाना, जिन्होंने तलवार मारी जानते हैं आप उनको? जल्दी इस पुत्र मांगेराम उसके लड़के हैं जी, सोनू, मोनू, बंटी, रामदास पुत्र, वो शेखर, राहुल और एक उनका नवासा है गोलू, वो ग्राउंडा का रहने वाला है, वो भी आया हुआ था। ये 7-8 लड़के थे। तो इन्होंने ये सारा के बाद वहीं थे या भाग गए थे? उसके बाद जैसे पीसीआर आई ये फौरन वहाँ से भाग गए। तो अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं की, कोई बात नहीं हुई अभी तक। गांव के ही हैं सभी? हाँ, गांव के जी। गांव से पहले कॉलोनी पड़ती है, 0.5 किलोमीटर का फासला गांव में कॉलोनी में। मतलब कॉलोनी पहले है? हाँ जी। क्या नाम है कॉलोनी का? पिंगली के नाम से ही है वो। पिंगली? हाँ जी, ठीक, पक्की। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पिंगली गांव का ये मामला है। एक लड़की बताई जा रही है अपने घर से सामान लेने निकलते हैं और गांव के ही जो युवक है बताया जा रहा है 20 से 30 लड़के हैं जिनका ग्रुप है, शरारती युवक है, शराब वगैरह का नशा करते हैं और नशे में किस तरह से लड़की का जो है दुपट्टा तक जो है खींचने की कोशिश की गई है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम सिटी करनाल में क्या कुछ हालात है और क्या कुछ इस पर आपका कहना रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, अगर लड़ाई झगड़े का मामला होता है तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लड़की अगर छेड़खानी का विरोध करती है तो उस पर उसके परिवार को मारा जाता है। इनकी कोई आपसी कोई दुश्मनी पहले तो नहीं, नहीं है ना, कोई नहीं, बस छेड़खानी का विरोध करा उसी वजह से। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ जो है छेड़खानी का विरोध करते हुए अगर उन्होंने मना करा है कि उसके साथ इस तरह से ना किया जाए तो किस तरह से पूरे परिवार पर हमला किया जाता है, आपको सबके जो है नजर आ रहा होगा सब कुछ अपनी आंखों के सामने। पिंगली गांव का ये फिलहाल मामला बताया जा रहा है, कल रात 9 बजे के आसपास की ये वारदात बताई जा रही है। तो आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें और एक बार क्या कुछ कार्रवाई चाहते हो आप इस मामले में? जी, सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने दोबारा ऐसा कदम ना उठाए, छेड़खानी किसी दूसरी लड़की के साथ ना करे वो जैसा उन्होंने मेरे साथ किया। तो उन... से निकले तो आपको पीछा करते थे वो? नहीं जी, पीछा नहीं करते, मैं दुकान से आ रही थी उस वक्त, उन्होंने दारू में दूध तो ये काम किया। तो आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है, सुरक्षा का भी कहीं ना कहीं नहीं हो सकता है मैडम? जब अभी कर दिया उन्होंने, जब अभी उन्होंने ऐसे गंडासियों से तलवारों से वार किया, आगे क्या नहीं करेंगे? तलवार का काटा मामना है। तो आपके सरपंच वगैरह लगता है या वो वार्ड लगते हैं? सरपंच हैं गांव में जी, तो वो आए मौके पर? नहीं जी, कोई नहीं आए जी, कॉल भी किया वो कोई नहीं आए, वो नहीं आए। अच्छा, वैसे बात हुई उनसे? अभी उनसे बात हुई थी 2 घंटे पहले आज। कुछ आश्वासन दिया? कुछ बात? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया भाई मैं एमपी गया हूँ और आने के बाद जो भी संभव कार्रवाई होगी मैं आपके साथ खड़े हो गए वो कार्रवाई कराऊंगा आपकी। और पुलिस भी आपके साथ है? नहीं, पुलिस ने तो अभी तक मारे को ये ही नहीं पूछा आप एडमिट हो, मर गए हो, जिंदा हो, क्या है क्या नहीं है। अभी तक कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में ले आकर छोड़ दिए थे उन्होंने। इधर बोले इन्होंने बोला भाई आपका निसिंग लगता है, यहाँ से फिर निसिंग गए, निसिंग से फिर सुबह 4 बजे मेडिकल करा के इधर आए, उसके बाद से 4 बजे से ऐसे ही घूम रहे हम। 4 बजे से यहीं बैठे? हाँ, यहीं बैठे इमरजेंसी के अंदर, ना कोई बेड, मेडिकल हो गया जी। अभी एक्सरे कराए थे इन्होंने, बोले भाई पर्ची देते हैं आपको, एक्सरे करा लो, एक्सरे करा के वो हमने इनको दे दिए। तो देख सकते अभी तक ना पुलिस आई ना कोई मारे को ये पूछा भी कैसे झगड़ा होया क्यों होया। कहां से आई थी रात पुलिस? सदर थाने से? नहीं, 112 नंबर से। अच्छा, 112। हां जी, उसके बाद किसी थाने से आई हो पुलिस? उसके बाद सदर से आई थी ये। तो वहां से आपके बयान वगैरह ले लिए? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिया था। उसके बाद मारे को वो स्नैप लेके जो अलाथी खून टपक रहा था जो भी था और एम्बुलेंस के अंदर डाल के इधर भेज दिया था।
तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बड़ा मामला सामने आया है। आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल अभी तक जो है कोई पुलिस इनका बयान लेने नहीं आई। सुबह 4 बजे से बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं, ये बहुत बड़ा छेड़खानी का मामला साबित हो सकता है, क्योंकि अगर परिवार बचाव ना करता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़की के साथ कुछ गलत भी हो सकता था। जिस तरह से उन्होंने कपड़े वगैरह जो है खींचने की कोशिश की है, तो आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर करें और इस बेटी को जो है इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। सभी से अपील, वीडियो को शेयर करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।